गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सब कैसे हो। ऋतिक रोशन की मूवी को आज बॉक्स ऑफिस पर 10 दिन हो चुके हैं और देखते हैं कि इस मूवी ने अपने 10 दिनों के अंदर अभी तक कितने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और इसके साथ साथ इस मूवी ने अभी तक बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन कर लिया है। और यह मूवी आनंद कुमार की बायोग्राफी पर आधारित है जिसमें कि ऋतिक रोशन ने इस मूवी में रोल निभाया है और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एकदम जम के कलेक्शन करती हुई दिख रही है। और अब हम बात करें इस मूवी ने अपने 10 दिनों के अंदर अभी तक कितना कलेक्शन कर लिया है। और अपने पहले दिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 11,83,00,000 रुपये कमा लिए हैं और अपने सेकेंड दिन की बात करें इस मूवी ने 18,19,00,000 रुपये अपने नाम दर्ज कर लिए हैं। और अपने फर्स्ट ही वीकेंड में इस मूवी ने 75,85,00,000 रुपये कमा लिए हैं और आठवीं दिन की बात करें इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 4,51,00,000 रुपये अपने नाम दर्ज कर लिए हैं। और नौवीं दिन की बात करें इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 8,00,00,000 रुपये का आंकड़ा पार कर दिया है। और अपने दसवें दिन की बात करें इस मूवी ने 10,00,00,000 रुपये का आंकड़ा पार कर दिया है। और इस मूवी का टोटल कलेक्शन हो चुका है 150,00,00,000 रुपये और यह मूवी दिन पे दिन बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करती जा रही है। और अब हम बात करें इस मूवी की मॉर्निंग की इक्विपेंसी रही है 40-45% और दोपहर की इक्विपेंसी रही है 70-75% रह चुकी है। और अब हम बात चुके हैं कि इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड पर 10 दिनों के अंदर कितना कलेक्शन किया है। और इस मूवी ने अपने वर्ल्ड वाइड पर 144,00,000 रुपये का आंकड़ा पार करती हुई दिख रही है और ओवरसीज से इस मूवी ने 28,00,000 रुपये कमा लिए हैं। और आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइए ऋतिक रोशन की मूवी सुपर 13 आप सबको कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।